वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मंदिर के लिए मुस्लिम ने फ्री में दी 2.5 करोड़ की जमीन। जमीन की वजह से अटका हुआ था मंदिर का प्रोजेक्ट। इश्तियाक अहमद ने दान कर दी करोड़ों रुपए की जमीन। हिंदू मुस्लिम की मिसाल बने इश्तियाक कौन है? एक तरफ धर्म के नाम पर विवाद और टकराव की खबरें सुनाई दे रही हैं, दूसरी तरफ बिहार में विराट रामायण मंदिर के लिए अपनी 2.5 करोड़ रुपए की जमीन एक मुस्लिम ने दान की है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले इश्तियाक अहमद खान ने जिस मंदिर के लिए जमीन दान की है वो बिहार के चंपारण में बन रहा है। मंदिर के जो जमीन एरा का था उसमें मेजर जमीन का पार्ट हम ही लोग का था, तो हमारे चचा लोग जो जमीन देना शुरू किए, अगर वो नहीं देते तो आज ये पोजीशन नहीं रहता इस मंदिर का, जमीन का प्रक्रिया मतलब ये नहीं होता। और जब सब कोई जब हमारे चचा लोग दिए हैं और इनसे ललन बाबू से जब बात हुआ तो हमने बोल दिया, उसी दिन बोल दिया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर देंगे, जमीन देंगे। ये मंदिर पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में बनाया जाना है। गांव के जमींदार इश्तियाक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के लिए पूरी आस्था के साथ अपनी जमीन दान कर दी है। गुवाहाटी में व्यवसाय कर रहे इश्तियाक अहमद खान ने कहा है, मंदिर के काम में जमीन जा रही है तो पैसे लेने का मतलब ही नहीं है। तो कम से कम हम लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी सहयोग करें, आगे बढ़ाया जाए। नहीं, एक बहुत बड़ी काम हो रही है ना, इतनी बड़ी मंदिर बन रही है तो उसमें अब पैसा हम क्या लें? भगवान तो दे ही रहा है पैसा दूसरी तरफ से, तो हम उसमें पैसा क्या ले, पैसा लेके उसमें अब हम ये क्या हो, तो हमारा मतलब अंदर सा है कि हम निशुल्क दे दें। बता दें, कई सालों से विराट रामायण मंदिर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। महावीर मंदिर ट्रस्ट के इस मंदिर को बनाने में 500 करोड़ रुपए के कुल बजट की लागत आने का अंदाजा है। ये मंदिर 125 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।